शॉप वाले प्रोजेक्ट में हम लोग हैं, और इस प्रोजेक्ट में हम लोग कैटेगरी इंसर्शन का काम कर चुके हैं। बस हम लोगों को क्या करना है, कैटेगरी डिलीशन का काम अभी करना बाकी है। और कैटेगरी डिलीशन के लिए बटन चाहिए होगा, बटन हम लोग बनाएंगे, और बटन बना के इस पर क्लिक करने पर डिलीट हो सके ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे डिलीट बटन बनाना है और प्रोडक्ट इंसर्ट करना है। प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं हुआ हुआ है, कॉलिंग करना है प्रोडक्ट को। तो ऐड प्रोडक्ट के लिए अलग से पेज बनाते हैं। जैसे देखो, ये एडमिन की जगह पे हम लोग यहाँ कैटेगरी का काम होना है और यहाँ प्रोडक्ट का काम होना है। तो प्रोडक्ट के अंदर में इंसर्ट और उसका कंपोनेंट इंसर्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने बना रखा है, देखो है ना। ये यहाँ देखो, ये हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर रखा है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बस दो चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो हम लोग इसको लिंक कर लेते हैं अपने पेज पे। देखो, इंसर्ट प्रोडक्ट ये वाला पेज लिंक है और ये पेज .js में इस जगह पे लिंक है। यानी कि हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा इंसर्ट प्रोडक्ट का। देखो ये पेज है, बट इसमें डिज़ाइन पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ये इसको कंप्लीट करना होगा एकदम कॉलम के अनुसार। तो पहली चीज़ ये है कि हम लोग जब इंसर्ट कर रहे होंगे तो क्या क्या डेटा होगा। तो टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा ऑब्वियसली, लेकिन इसके अलावा हम चाहते हैं, ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि इसका स्कीमा सामने रखें ताकि कॉलम बनाने में या नाम रखने में दिक्कत। देखो, प्रोडक्ट में स्लग है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस है, और उसके बाद ये देख रहे हैं कैटेगरी है, कैटेगरी आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, ब्रांड है, इमेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ऐड करना है। बाकी चीज़ें देखो कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले टाइटल और स्लग, टाइटल के बाद जस्ट हम उसमें स्लग ऐड कर रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कर रहे हैं और साथ में हमको यहाँ पे भी करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमको ये मैसेज अगर नहीं चाहिए तो बस सिंपली हम इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइटल की जगह पे स्लग, क्या क्या चीज़ चाहिए हमको, स्लग चाहिए। इसके अलावा प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस है, प्राइस चाहिए, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट अंडरस्कोर प्राइस। और इसके बाद डिस्काउंट प्राइस एक्चुअल में ठीक है, और कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरी चाहिए, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है ये, ब्रांड और इमेज। अच्छा, एक्चुअल में कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी आईडी है। ठीक है, तो हमको इंसर्ट करना है कैटेगरी आईडी में, रिलेशन बनना है कैटेगरी से। कैटेगरी आईडी, डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा ब्रांड, ब्रांड और लास्ट में इमेज है, लास्ट में इमेज। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे यहाँ पर है ना, इस जगह पे इतने सारे कॉलम्स हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल दें। तो पहले है टाइटल, फिर स्लग, फिर प्राइस। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली जीरो रख सकते हो, तो वैसे डिफॉल्ट वैल्यू पहले से रहेगा जीरो। डिस्काउंट प्राइस और कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पहले से ही है, ब्रांड और इमेज। ये सब ध्यान रखना है, सब में जीरो नहीं रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इमेज, ये सारे कॉलम के साथ हम काम कर लिए। और इसके अलावा जो है हम सबमिट, ऑन सबमिट, और यहाँ पे इंसर्ट का वर्क करना है, इंसर्ट प्रोडक्ट वर्क, प्रोडक्ट वर्क। ठीक है, और इसके अलावा कॉलम को हमको ऐड करना है। जैसे टाइटल एक कॉलम है, ऐसे यहाँ पे हमको कई कॉलम और चाहिए। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन, स्लग हो गया, स्लग, ध्यान रहे नाम चेंज होगा, लेबल चेंज होगा, और मैसेज भी चेंज कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नाम चेंज करना रहेगा। प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, तो ये है, इसको कर देते हैं चेंज प्राइस से, प्राइस, और इसको कर देते चेंज डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस, इसके बाद है, देखो एक बार और, इसको कैटेगरी आईडी, एक्चुअल में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसा बनेगा जो हम लोग पहले बना चुके हैं उस कंसेप्ट में, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा। और आते हैं ये ब्रांड पे, तो
बेसिकली हमको टाइटल की तरह स्लग डिस्काउंट प्राइस की तरह ही यहाँ पे ब्रांड भी चाहिए, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ब्रांड के लिए। ब्रांड ठीक है, यहाँ पे भी दिखेगा ब्रांड और यहाँ ठीक है। और लास्ट में है इमेज, जो कि इमेज तो हम लोग अलग से काम करेंगे, अपलोड थिंग्स का इस्तेमाल कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन जो पहले से है मेरे पास। कैटेगरी का काम रह गया, कैटेगरी का काम करना। तो कैटेगरी का काम करने के लिए हमको सबसे पहले तो अपने उसमें कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स। मैं आपको शेड सीएन से दिखाता हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट स्टेशन में दिखा देते हैं। देखो ये नीचे आएंगे यहाँ पे, और कॉम्बो बॉक्स ये वाला, तो कॉम्बो बॉक्स इस तरह से क्लिक करने पे काम करेगा। तो हमको ये चाहिए, और हमको इसको इंस्टॉल करना है अगर अपने लैपटॉप में, तो हमको दो तीन चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। देख लेते क्या क्या बता रहे हैं। पॉप ओवर और कमांड, दो कंपोनेंट चाहिए, पॉप ओवर और कमांड। पॉप इस तरह से नहीं, पुराना वाला कमांड लेते आते हैं। ऐड करना है पॉप ओवर, ये एक कंपोनेंट है जिसको कॉल करना है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है कमांड, इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक कॉम्बो बॉक्स को कॉपी करते हैं। देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, और इसके अलावा हमको कॉम्बो बॉक्स का जो कमांड है, ये देखो ये कॉम्बो बॉक्स है, बेसिकली एग्जांपल है ये कॉम्बो बॉक्स का, जिसका आउटपुट ऐसे आ रहा है। तो यही कॉम्बो बॉक्स का एग्जाम्पल हमको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लिए, और अपने सबसे ग्लोबल कंपोनेंट में, यानी सबसे जो बाहर कंपोनेंट बना के रखे हम लोग, जो सबके लिए अवेलेबल है, वहाँ पे एक यूआई फोल्डर के अंदर के एक कॉम्बो बॉक्स बना लेंगे, कॉम्बो बॉक्स इस तरह से JSX। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो कॉम्बो बॉक्स ही नाम आ रहा है या कुछ और आ रहा है। कॉम्बो बॉक्स डेमो है, डेमो हटा देते हैं, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स हो गया, और ये है इसका फ्रेमवर्क जो कि लूप चलेगा, ठीक है। ये सब हमको थोड़ा चेंज करना है, कस्टमाइज़ करेंगे। पहले इसको पॉप ओवर को इंस्टॉल होने देते हैं, फिर कमांड भी हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो कमांड भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पॉप ओवर को हटाकर कमांड भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो पॉप ओवर इंस्टॉल हो गया तो इतना सारा इंपोर्ट हो जाएगा, और कमांड इंस्टॉल हुआ तो ये भी हो जाएगा। तो ये सब कॉम्बो बॉक्स मुझे चाहिए है, तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं कॉम्बो बॉक्स को थोड़ा कस्टमाइज़ करूँगा, ताकि उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकें। तो कस्टमाइज करने के लिए हम कस्टमाइज करने के लिए इसको थोड़ा चेंज करने के लिए, डिज़ाइन वगैरह को चेंज करने के लिए, हम इस ऊपर का इंपोर्ट तो छोड़ देंगे। ये जो यहाँ देखो एक एरे बना हुआ है पहले से मिला हमको, जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू का आइटम होगा एक्चुअली, लेबल और वैल्यू, ये कैटेगरी होगा मेरा, इसलिए हम यहाँ पे कैटेगरी का काम करेंगे। बट इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, और पैरामीटर यानी प्रॉप्स में पास कर देते हैं कि हमको डेटा भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो तीन चीज़ें चाहिए हमको, पहले ऑप्शन चाहिए, इसके अलावा हमको वैल्यू चाहिए। और जब हम क्लिक करेंगे यानी ऑन चेंज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए तीन पैरामीटर हम पास कर दिए, यानी प्रॉप्स में हम तीन प्रॉप्स पास कर लिया। अब हमको यहाँ पे वैल्यू और सेट वैल्यू की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वैल्यू और सेट वैल्यू नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास वैल्यू प्रॉप से आ रहा है। इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे, और यहाँ पर जो लूप चल रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्रेमवर्क वर्ड लूप चल रहा है, उसकी जगह पे हम लोग अपना ऑप्शंस को डाल देंगे, जो मेरा ऑप्शंस आएगा, ऑप्शंस डॉट फाइंड, और ये कर देंगे ऑप्शन सिंगुलर वैल्यू, ये ऑप्शन हो गया। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन डॉट वैल्यू, ऑप्शन डॉट वैल्यू, ठीक है, उसके साथ चेक करेंगे डॉट लेबल, ये सिलेक्ट ऑप्शन कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन दिखेगा पब्लिक को। इसके बाद नो ऑप्शन फाउंड कर देंगे, यहाँ पे देखो नो फ्रेमवर्क फाउंड लिखा हुआ रहा है, और सर्च ऑप्शन के यहाँ पे सर्च ऑप्शन कर देंगे, फ्रेमवर्क डॉट यहाँ ऑप्शंस डॉट मैप, ऑप्शंस डॉट मैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम ऑप्शन कर देंगे, इस जगह पे ऑप्शन कर देंगे, यानी इसको पूरा कस्टमाइज कर रहे हैं। वैल्यू में आएगा, कमांड आइटम में एक्चुअल में वैल्यू की ज़रूरत है नहीं, इनको हटा देते हैं। तो की हो गया, और उसके बाद ऑन सेलेक्ट, ये देखो ऑन सेलेक्ट, ऑन सेलेक्ट पे क्या होगा, ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे सुनो, ऑन सेलेक्ट पे करंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑन सेलेक्ट जब होगा तो ऑन चेंज काम करेगा, जो प्रॉप से पास किया है ऑन
चेंज, ये प्रॉप्स में हम लोग रखा है, देखो दिखा देते हैं, ये रहा ऑन चेंज। तो ये बेसिकली ऑन चेंज जब होगा तो ये मेरा ऑप्शन लेगा, ऑप्शन डॉट वैल्यू लेगा, ऑप्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, इज इक्वल टू वैल्यू अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन डॉट वैल्यू, ऑप्शन डॉट वैल्यू सिंपल। तो बेसिकली इसको थोड़ा कस्टमाइज कर रहे हैं और अपना डिज़ाइन चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नीचे कोई चेंजेस, यहाँ देखो फ्रेमवर्क डॉट लेबल लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऑप्शन डॉट लेबल कर देंगे। बस फ्रेमवर्क जो इसमें नाम पहले से मिला था उसको चेंज करके ऑप्शंस कर दिया। शायद अब सब कुछ ठीक है, अगर कोई एरर रहेगा तो फिर यहाँ देखो ऑप्शन डॉट वैल्यू, और तो कहीं पे नहीं फ्रेमवर्क शब्द का इस्तेमाल। एक बार सर्च कर लेते हैं, फ्रेमवर्क नहीं है, नॉट फाउंड। चलिए ये कंपोनेंट बनके तैयार हो गया है, और जब हम लोग अपना कॉलिंग करेंगे, मतलब बेसिकली हमको यहाँ पे डेटा चाहिए, तो मेरा जो इंसर्ट का पेज है वो ये है, इसमें हमको अपना कैटेगरी पास करना पड़ेगा, नहीं तो हमको कंपोनेंट में ही कॉल करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लोग क्लाइंट आईडी यूज़ कर रहे हैं और हम ऑप्शन को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से करके इसको प्रॉप से पास कर देंगे और मेरे इस कंपोनेंट में आ जाएगा। तो हम इसको पास करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, तो इसको करेंगे असिंक्रोनस SYNC, और यहाँ कॉन्स बना लेंगे और लिखेंगे कैटेगरीज, कैटेगरीज ये कैटेगरी तो हमको भेजना है, तो हम लोग कैटेगरीज नाम से रख लेंगे। अब जब मेरे पास कैटेगरीज नाम से आ गया तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि डेटा मेरा वैल्यू और लेबल के फॉर्म में चला जाए। तो देखो कैसे बनाते हैं इसको, चलो देखो। यहाँ पर इस जगह पे हम लोग डालते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे लिखेंगे अवेट, और इस जगह पे डीबी को बुला लेंगे जो मेरा कनेक्शन है, और उसके बाद जो है कॉलिंग का काम खत्म करेंगे। डीबी डॉट कैटेगरी, कैटेगरीज है शायद, देख लेते हैं। मेरा प्रिज्मा का मॉडल है यहाँ पे, ये देखो कैटेगरीज, कैटेगरी है इसमें, कैटेगरीज नहीं है, तो ये कैटेगरीज हटाकर कैटेगरी डॉट फाइंड मैनी, ठीक है। फाइंड मैनी से क्या होगा, सारा डेटा आ जाएगा और बिना फिल्टर हुए आ जाएगा। हम चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में आए, देखो असेंडिंग ऑर्डर में आए तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कॉलन, और यहाँ पर लिखेंगे किस कॉलन से ऑर्डरिंग करना है। तो हम मान लो कैट टाइटल दिखाता था, कैट टाइटल ASC शिफ्ट टाइटल, तो शिफ्ट टाइटल कॉलम है, उसमें एक्सेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC लिखना होता है। ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, ये कैपिटल नहीं स्मॉल भी लिख सकते हैं ASC। तो मेरे पास कैटेगरी नाम का वेरिएबल है जिसको मैंने लिया है, और मैं जब भी इसको पास करूंगा मुझे मुझे क्या करना है, देखो ये मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है, अब मैं यहाँ पे कैटेगरी इसको पास कर दूंगा इस जगह पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर कैटेगरी डाटा नाम से, कैटेगरी डाटा नाम से पास कर रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरी डाटा कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैटेगरीज डॉट जो मेरा वेरिएबल है डॉट मैप। अब मैप मेथड का इस्तेमाल किया है इसलिए क्योंकि हमको लेबल दो कॉलम पास करना है। देखो मेरी बात समझो, जब हम कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं, कॉम्बो बॉक्स को डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें डेटा दो चीज लेता है, एक है ले वैल्यू और दूसरा है लेबल। तो वैल्यू लेबल के फॉर्मेट में करना है, और जो कैटेगरी आता है बाय डिफॉल्ट लेबल फॉर्मेट और वैल्यू में नहीं होता, तो हम उसको थोड़ा मैप करके चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैटेगरी, अब कैटेगरी मेरा प्रॉप पैरामीटर हो गया, ये हो गया मेरा बॉडी पार्ट, और यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे मेरा ये दोनों लेबल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसको करेंगे छोटी ब्रैकेट
और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और लिखेंगे लेबल। लेबल में एक्चुअल में हमको चाहिए कैटेगरी का नाम। देखो यहाँ पे मैप फंक्शन में ये छोटी ब्रैकेट में तुम अवॉइड कर सकते हो। हाँ लेबल, अब लेबल में मुझे क्या चाहिए, तो कैटेगरी का नाम चाहिए, तो कैटेगरी का नाम डाल देते लेबल में। देखो कैसे, कैटेगरी डॉट टाइटल, ये हो गया लेबल। और वैल्यू के तौर पे आईडी चाहिए, इसे लिख रहे हैं वैल्यू कॉलर कैटेगरी डॉट आईडी, ठीक है। इस डेटाबेस में तो आईडी ऐसे ही है। छोटी ब्रैकेट ध्यान रखना है, ये एक छोटी ब्रैकेट मैप का है, दूसरा छोटी ब्रैकेट और लगेगा। देख हो गया, तो बेसिकली ये जो मेरे पास डेटा जाएगा वो मैप होके जाएगा, जिसमें दो कॉलम होगा, एक लेबल होगा एक वो होगा। तो हम लोग कैटेगरी डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे इंसर्ट प्रोडक्ट के अंदर, एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट प्रोडक्ट, आगे कैटेगरी डेटा। अब ये नीचे आएगा इस जगह पर जहाँ पे हमको कैटेगरी दिखाना है, तो जहाँ पे भी हमको कैटेगरी दिखाना है उस जगह पर हमको लेके आना है, और वहाँ पर हम अपना, अच्छा सिर्फ कैटेगरी ही पास नहीं होगा, उसमें ऑन चेंज वगैरह भी था वो भी पास करना पड़ेगा। चलिए, तो बेसिकली हम यहाँ पर हाँ देखिए, तो यहाँ पर हम लोग है ना एक कॉलम बना लेंगे, डिस्काउंट प्राइस हो गया है, ब्रांड हो गया है, डिस्क्रिप्शन हो गया है। इसकी डिस्क्रिप्शन से पहले ब्रांड में इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिया, और इसको कैटेगरी के लिए तैयार कर लिया कैटेगरी, ठीक है। बट यहाँ पब्लिक को क्या दिखेगा, कैटेगरी सिलेक्ट कैटेगरी दिखेगा, पब्लिक को जो चाहो दिखाओ। और ये जो इनपुट है इसकी जगह कॉम्बो बॉक्स होगा, कॉम्बो जो क्या होगा कॉल करना बॉक्स। देखो ये यूआई से आ गया, और इसमें प्लेस होल्डर आप डालेंगे कि नहीं डालेंगे, चलो ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स आया, और उसमें दो बातें कहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि ऑप्शंस क्या हो, तो ऑप्शंस वेरिएबल मेरे पास आ रहा है कैटेगरी डेटा नाम से, वो हम पास कर दिया। कैटेगरी ऑप्शंस में क्या आएगा, कैटेगरी डेटा आएगा, और फील्ड्स जो है फील्ड की तरह ही रहेगा, और डिजेबल कब रहेगा, जब सबमिटिंग में रहेगा। तो डिजेबल इस सबमिटिंग वेरिएबल है मेरे पास ऊपर, मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये इस सबमिटिंग, तो यहाँ पे जब सबमिट कर रहे होंगे तो डिजेबल हो जाएगी, ताकि उस टाइम में कोई चेंज ना कर सके इस सबमिटिंग। हो गया, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है हो गया। तो ये है सिलेक्ट ऑप्शन का जो मैंने बना रखा है। एक बार पेज को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमको काम करने दे रहा है कि नहीं दे रहा। देखो ये है मेरा, इस पर क्लिक करते साथ हमको एक एरर आ गया, देखो क्लिक करते साथ आ गया सिंबल इटरेटर का एरर आ गया। मैंने इसको पहले भी फेस किया है, और ये वाला एरर क्या है कि वर्जन कॉन्फ्लिक्शन और कुछ नहीं है। देखो ये सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, और ये वर्जन कॉन्फ्लिक्शन है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहला एक तरीका ये ठीक करने का कि पैकेज डॉट जेसन में आ जाओ, और एक पैकेज का सिर्फ वर्जन कम कर दो, जैसे देखो CMDT कमांड वाला जो कमांड है, इसमें यहाँ पर वर्जन वन वर्जन है, ये अच्छे से स्टेबल वर्जन नहीं है, मतलब ये वो वर्जन है जो कि एरर है इसमें 0.25, शायद 0.25 ही होता है। मैंने लास्ट वाले प्रोजेक्ट में भी ऐसे चेंज किया था, मैं यहाँ देख लेता हूँ एक वीडियो। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सेट CN कॉम्बो बॉक्स बॉक्स एरर, ठीक है, और ये एरर जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो इसने खुद ही शायद चीन के वेबसाइट पे किसी डेवलपर ने बताया कि देखिए आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि द प्रॉब्लम इज पेयरिंग एज ऑब्जेक्ट इनसाइड द, देखिए देख लेता हूँ। कई तरह पे इस पर डिस्कशन हुआ है, कई जगह पे डिस्कशन है, इसका सोल्यूशन भी है। पहला सोल्यूशन ये है कि इसको डाउनग्रेड कर दो वर्जन को, जो पुराने वाले वर्जन में उसमें एरर नहीं था, और दूसरा जो अभी देखो ये ग्लोबल टेक कॉन्टेक्स्ट और पता नहीं क्या क्या,
बहुत तरह के अलग अलग जो है वो सोल्यूशन निकाले गए, तो उसमें से एक सोल्यूशन किसी ने लिख दिया था, मैंने देखा कि उसमें बड़ा अच्छा सोल्यूशन था। वो ये था कि देखो सी एम डी के वर्जन को फॉल डाउन कर दो 0.2 से, मतलब बेसिकली आपका ओल्डर वर्जन यूज़ कीजिए जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, और न्यूअर वर्जन में अभी कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो ये बात मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, तो मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। 0.25 या 0.2 कर दो, ठीक है। तो ये वाला वर्जन लिख देने से अपडेट नहीं हो जाएगा, आपको कमांड लिखना पड़ेगा npm install, अगर आपको नया कमांड चाहिए तो npm install, ठीक है। आप इंस्टॉल का कमांड लगा दीजिए जिससे ये वाला वर्जन अब अपडेट हो जाएगा, जिसके बाद ये एरर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। होने देते हैं इंस्टॉलेशन, तब तक अपना दूसरा काम करते हैं, यहाँ पे एरर आना संभावित है। तो टाइटल, स्लग, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ब्रांड, और इसके बाद तब तक हम लोग अपलोड थिंग्स को थोड़ा कॉन्फिगर करते हैं। अपलोड थिंग्स से कॉन्फिगरेशन में आएंगे, देखते हैं क्या क्या करना है। तो अपलोड थिंग्स पहले भी हम लोग कॉन्फिगर कर चुके हैं और ये दोबारा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले कि आपको नया एक ऐप बना लेना है अपने डैशबोर्ड में। मेरे पास ऑलरेडी दो बना हुआ है, एक मैं और ऐड करने जा रहा हूँ। तो इस ऐप का नाम क्या रखिएगा, तो वो रख लीजिए, और यूआरएल क्या देना चाहते हैं, तो ये डिफॉल्ट नहीं है, ये ऑप्शन है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो शॉप नाम से मैंने यहाँ पे ये बना लिया है। ये है आपका एपीआई की, जिसपे क्लिक करके आप यहाँ से उठा सकते हैं, सिंपली आपको कॉपी करना होगा और उठा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आ जाइएगा, जो आपको एक एक करके गाइड करेगा नेक्स्ट ऐप राउटर बेसिस पे। तो आपको ये इंस्टॉल करने का हैगा पहली चीज। तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ 0 पॉइंट छूट गया था, 0 छूट गया, माई बैड, शायद टाइप करने में इशू हुआ होगा। खैर इसके अलावा जो है ना, मुझे यहाँ पे अपलोड थिंग्स का काम करना है, तो अपलोड थिंग्स का काम करने के लिए कह रहा है कि आपको ये इंस्टॉल करना है, जो कि मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि चल रहा है, मैं एक मिनट में कर लेता हूँ। उसके बाद वेरिएबल ऐड करना है, तो वेरिएबल मैंने कॉपी कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पर ENV का जो फाइल आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए ENV फाइल GitHub ट्रैक कर रहा है, GitHub ट्रैक कर रहा है, और जब मैं पुश करूँगा तो ये चला जाएगा। इसलिए मुझे गिट इग्नोर वाले फाइल में आकर मुझे थोड़ा ENV वाला एक मिलेगा। यहाँ पे देखो इस जगह पे मुझे .env के फाइल में बताना है कि इसको मत करना, मतलब इसको गिटहब पे मत डालो, इसको अनट्रैक करो, ठीक है। तो ये गिटहब को .env फाइल को गिट, अब देखो यू लिखा होता है यहाँ पे, नहीं कर रहा, तो यू इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि मेरा सीक्रेट आईडी पासवर्ड है अपलोड थिंग से रिलेटेड। इसके अलावा मुझे इंस्टॉल करना है, तो ये कमांड है इंस्टॉलेशन का, इसको कॉपी कीजिएगा, बस सिंपली कॉपी करके आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं ये मुझे करनी है वो मैं बताऊँ, ठीक है। तो मैं एक एक टर्मिनल यहाँ पे यूज़ कर रहा था, उसमें जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद जो है इसको ब्रेक कर देते हैं। रिएक्ट देखो, ये मैंने इंस्टॉलेशन में लगा दिया अपलोड थिंग्स को, जो मेरे लैपटॉप में फिर मेरे इस प्रोजेक्ट में क्या होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है वो यहाँ पे सब बताता है। पहला इंस्टॉलेशन है, दूसरा आपका इन्वायरमेंट सेटअप है, और तीसरा जो आपको काम है वो है फाइल राउटर बनाना, सेटअप द फाइल राउटर बता रहा है, ठीक है। तो आपको फाइल राउटर बनाना है कहाँ पे, ऐप के अंदर API के अंदर अपलोड थिंग्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर code.js कर दीजिएगा TS की जगह पे, सिंपल है। तो आपको बस फाइल को सेटअप कर लेना है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो API फोल्डर में आपको क्या करना है, एक नया अपलोड थिंग्स .js ऐसा बना लेना है। तो इससे क्या होगा, देखिए फोल्डर है API के अंदर में अपलोड थिंग्स, उसके अंदर कोर, आपका ये कोर है जिसमें आपको डिस्कशन करना है कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए। तो बेसिकली जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है ऐसे ही कुछ चाहिए आपको, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब बोलिएगा इतना सारा कुछ कैसे आ गया, तो सबसे पहले ये टाइप स्क्रिप्ट का डेटा है, जिसमें आपको ये चीज़ नहीं चाहिए ये हटा दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट कॉलन के बाद नहीं चाहिए वो हटा दीजिएगा, और ये फेक आईडी है ये हमको इसकी ज़रूरत, आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ऐसा कि ऑथेंटिकेशन नाम का कोई फंक्शन है जो कि अभी फिलहाल ब्लैंक है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन में कोई भी यूज़ नहीं किया, ना नेक्स्ट ऑथ यूज़ किया हो ना तो कलर, तो जब जो भी यूज़ करूँगा उसके हिसाब से इसको कर दूंगा। ये हटा दिया, यहाँ देखिए अपलोड
ये इमेज अपलोडर नाम है ना कीगा, इसकी जगह पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। और उसके बाद ये आपका इन्फॉर्मेशन हो गया कि 5 MB का इमेज, 4 MB से ज़्यादा इमेज नहीं चाहिए। ये परमिशन हो गया जो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ऐसे करके जोड़ सकते हैं। और उसके बाद बाकी ये पूरा का पूरा जो आप फंक्शन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये आप मिडिलवेयर फंक्शन को हटा दीजिए और यहाँ पे एक ब्लैंक ऐसे डाल दीजिए। ब्लैंक मतलब अभी हमको मिडिलवेयर नहीं चाहिए। ये ऑथ को भी हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। ये रन को हटा दीजिए। ऑन कंप्लीट होने पर क्या होगा, मैसेज आ सकता है कि हाँ भैया आपने कंप्लीट कर दिया, ये भी आप कर सकते हैं, ये ठीक है। उसके फाइल का URL बता देगा, रिटर्न कर देगा। इसके नीचे जो यहाँ सेटिस्फाइड फाइल, सेटिस्फाई फाइल ये चाहिए नहीं चाहिए। और ये हुआ एक्सपोर्ट का तरीका, सिंपली हमको एक्सपोर्ट ऊपर किया हुआ, छोड़ दो कुछ नहीं करना। तो ये बेसिकली मेरा हो गया कोर तैयार। कोर को मैं बाद में रीचेक करूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। यहाँ पे हमको अवेट नॉट इफेक्टेड बाय, ठीक है, जो भी चेंजेस होगा इसमें देख लेंगे क्या चेंजेस करना है। और यहाँ पे एरर आ रहा है, इसकी वजह क्या है, ये थोड़ा सा अजीब है। नो डिड यू मीन आवर, अच्छा खैर मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें क्या करनी है मुझे यहाँ पर, यहाँ पे मुझे और एक राउट डॉट जे एस भी चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं, यहाँ पे राउट डॉट जे एस कैसे बात करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कोर के बारे में बात हो रहा है, इसके जस्ट थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए सेम फोल्डर के बारे में बात हो रहा है राउट डॉट जे एस से। तो यहाँ पे राउट डॉट जे एस बनाना और सिंपली आपको ये पास कर देना, कुछ नहीं करना है। इसको कॉपी कीजिए आप और सेम फोल्डर, सेम फोल्डर मतलब API के अंदर में इस जगह पे, कोर के जगह पे यहाँ पे सेम फोल्डर में लिखना राउट डॉट जे एस, ठीक है। बस कोर और राउट डॉट जे एस एक साथ रहेगा, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। ये आपको गेट मेथड और पोस्ट मेथड दोनों में अलाउड हो जाता है, इसके लिए आपको करना है। अब आपको कोर में एरर आ रहा है, एक बार कोर को आप रीचेक करते हैं। कोर में क्या एरर है वो एक बार देख लेते हैं, ये रेड हो गया है मतलब कुछ एरर है। तो मैं वापस से चेक करता हूँ, देखिए ये मिडिलवेयर है, ये अभी खाली है, इसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ये जो जितना भी काम किया हुआ ये असिंक्रोनस में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। ये भी ब्लैंक डेटा के तौर पे कर देता हूँ, इसको साथ में ले जाते हैं, इससे क्या होगा कि छोटी ब्रैकेट छोड़कर अब आ गया, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पे काम हो गया है। और लास्ट में एक्सपोर्ट ठीक है, देखो एक बार ये हटा दे, हाँ ये एरर तो अब हट गया, एरर जो था हट गया, चलो ठीक है। तो ये बेसिकली एक लाइन में हो सकता है, ये मिडिलवेयर हम लोग तब लगाएंगे जब हम ऑथेंटिकेशन लगा लेंगे, तब मिडिलवेयर में थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो मिडिलवेयर अभी टू डू टास्क में है, ठीक है। और ये जो राउट है ये बन के तैयार हो गया। एक लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग उसका बटन वगैरह एक्सेस कर सकें, तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन बताता है आपको कि क्या करना है। आपको देखिए डॉक्यूमेंटेशन आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, टेलविन कैसे सेटअप करना है। तो खैर हम टेलविन सेटअप का तरीका बाद में बता देंगे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप यूटिल्स के फोल्डर के अंदर में अपलोड डॉट जे एस बनाइए और इसमें ये चीज़ इम्पोर्ट कर लीजिए सिंपली। तो मैं यहाँ आता हूँ, मेरा लाइब्रेरी जो है यहाँ है, यहाँ पे बना सकते हो यूटिल्स अलग से फोल्डर बना के, यूटिलिटीज़ के लिए अलग से बना के वहाँ भी डाल सकते हो। तो तुम्हारा अपना डिज़ाइन होगा कि तुम अपने प्रोजेक्ट में कोई चीज़ को कहाँ रख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम नोटिस करोगे कि ये सब कंपोनेंट के अलावा डाल लाइब्रेरी यहाँ पे, तो मैं लाइब्रेरी बना के डाल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो तो नहीं हमको अलग फोल्डर चाहिए तो यू कैन, तो यूटिल्स यूटिल्स स्लैश और यहाँ पे अपलोड थिंग अपलोड थिंग्स डॉट जे एस, ठीक है। ये यूटिल्स नाम का फोल्डर बनाया उसके अंदर डाल दिया। तो ये देखो फोल्डर की जगह फाइलें बन गया गलती से, कोई बात नहीं, सुलेट मारना पड़ेगा, यूटिल्स के अंदर में फाइल बनाना होता अपलोड थिंग डॉट जे एस और इसके अंदर इसको पेस्ट करना है बेसिकली,
ये आपका पे स्टूडेंट, ये एट द रेट लगा दीजिएगा, इसका मतलब होता है कि आप ऐप को एक्सेस करना चाहते हैं। और ये टाइप हटा देना है, ठीक है, इम्पोर्ट अपलोड आवर राउटर, और ये टाइप स्क्रिप्ट में सब होता है, जावा स्क्रिप्ट में सब नहीं होता है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। ओके, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गया, अपलोड किंग्स में यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे जहाँ पे भी इसको यूज़ करना होगा वहाँ पे बटन बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दे रहा है कि कैसे बुलाना है, तो ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे यूटिल्स हम अलग बनाए हैं, अपलोड थिंग्स में आया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा है तो दूसरी जगह नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो नेक्स्ट का क्या काम है, नेक्स्ट ये काम है कि हम लोग वो बटन तैयार करेंगे जिस पर क्लिक करने से इमेज अपलोड होगा। तो अपने ना प्रोडक्ट वाले इसमें पार्ट में चले जाएंगे और वहाँ पैसा करेंगे। देखिए ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है, एडमिन, एडमिन के अंदर में एडमिन, एडमिन के अंदर में राउट्स, राउट्स के अंदर में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर में इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर पेज, ये है। तो यहाँ पे मेरा इंसर्ट कंपोनेंट चल रहा है और इंसर्ट कंपोनेंट ये वाला यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे इमेज ऐड करना है, ठीक है। चलिए एक कंपोनेंट बना लेते हैं फाइल अपलोडिंग का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट बनाएंगे बाहर में इस जगह पे, ठीक है, ये यूआई के अंदर नहीं, कंपोनेंट बाहर बनाएंगे, ठीक है, यूआई से बाहर। इसका नाम रखेंगे फाइल अपलोड, फाइल अपलोड डॉट जे एस एक्स। अब मुझे फाइल अपलोड डॉट जे एस एक्स चाहिए, तो मैं आऊँगा ऐप के पास कंप्लीट बाहर वाला फोल्डर में, वहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में मैंने बनाया है फाइल अपलोड डॉट जे एस एक्स। यहाँ पे मैं शुरू करूँगा एक कंसेप्ट जिससे मैं बनाऊँगा आर ए एफ सी ई, बेसिकली ये मदद करेगा फाइल अपलोड, ये नाम रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे कि फाइल अपलोड करने के कंसेप्ट में क्या क्या होने वाला है। तो देखो ये पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले चीज़ क्या होगा कि मुझे चाहिए होगा ये क्लाइंट बेसिस पे, क्लाइंट, यूज क्लाइंट, ठीक है। इसके अलावा मुझे और क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर दो पैरामीटर पास करूँगा, ऑन चेंज, जब कोई बदलेगा तो क्या करना है, ऑन चेंज, और इसके अलावा इंड पॉइंट क्या होगा मेरा, इंड पॉइंट मतलब ये जो कोर में मैंने लिखा है, कोर डॉट जी एस के पास आ जाओ, देखो API कोर, ये है मेरा इंड पॉइंट, इसका नाम है प्रोडक्ट इमेज, तो यही है इंड पॉइंट, यानी इस पे जब इमेज इंसर्ट करेंगे तो ये रूल लागू होगा। इसी तरीके से इंड पॉइंट यहाँ से पास करना, प्रॉप से पास करना। अब देखो क्या है कि हम लोग को अंदर आना है, अंदर आने के बाद हम लोग इसको थोड़ा हटा देते हैं और लिखते हैं अपलोड ड्रॉप जोन। देखो अपलोड ड्रॉप जोन ये हमको चाहिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इम्पोर्ट चाहिए अपलोड ड्रॉप जोन। इसमें हमको बात बताना पड़ता है इन पॉइंट कौन होगा, तो इन पॉइंट मेरा इन पॉइंट होगा जो पैरामीटर से आ रहा है, इन पॉइंट पी कैपिटल, इसका ध्यान रखना। इसके बाद ऑन क्लाइंट कंप्लीट, तो जब क्लाइंट कंप्लीट कर लेगा तो क्या करेंगे, तो रिस्पांस में वो जो डेटा आएगा उसको लेंगे, इसको थोड़ा एंटर करके नीचे ले जाते, ठीक है, यहाँ से इन पॉइंट को भी नीचे ले जाते, सजा के रहेगा। और ये यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग कि जब डेटा लेकर आएंगे तो क्या करना है, तो इस जगह पे कर्ली ब्रैकेट, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे, देखो कंसोल देखने के लिए कोई एरर तो ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट, ये मैसेज के लिए हम सिर्फ डाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उसका रिस्पांस क्या आएगा, तो रिस्पांस आएगा कॉमा res, जो भी होगा ये कंसोल कर लिया। इसके अलावा कंसोल खाली काम नहीं करना है, हमको ऑन चेंज पे क्या करना है, तो जब बदलेंगे तो क्या होगा, तो देखो रिस्पांस अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अनडिफाइंड बता देना, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद है ना उसमें से बहुत सारा डेटा आ रहा होगा, उसमें पहला डेटा लेना, उसका URL निकालना, और उस URL को निकालने के बाद
URL को पास कर देना और URL के साथ साथ नेम भी निकालना है, ऐसे सेम चीज को नेम भी निकालेंगे। तो दो पैरामीटर आता है रिस्पॉन्स से, दो चीजें आती है, एक आता है URL, दूसरा होता है नेम। तो ऑन चेंज में URL और उसका नेम दोनों पास कर देना। तो ये बेसिकली हो गया। अगर किसी वजह से एरर आ जाता है तो ये जैसे कर्ली ब्रैकेट यहाँ खत्म होता है, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और बात लिखूंगा ऑन अपलोड एरर। अगर अपलोड का एरर आया था तो क्या होगा, तो बेसिकली हम चाहते हैं कि एरर आए तो ये मैसेज मुझे दे दे अच्छा से, ठीक है। तो मैं इसको हालांकि रिएक्ट टोस्ट पे डालना था लेकिन अभी टोस्ट मैंने इंस्टॉल किया नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स का जो भी एरर होगा उसका मैसेज होगा, एरर आया तो ठीक है उसका मैसेज, मतलब मैं सेफली लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये लॉजिक है बेसिकली अपलोड बटन के ऊपर। यही अपलोड बटन जो हम लोग यहाँ बनाया है, अपलोड जिसका नाम रखा फाइल अपलोड, इसको यहाँ इंपोर्ट करवा लेना है इस जगह पे जहाँ पे हम बनाएंगे इमेज के लिए। तो ये डिस्क्रिप्शन है, इसके जस्ट ऊपर ये वाला को कन्वर्ट करते हैं इमेज के लिए। तो नाम हो गया, नाम हो गया इमेज के लिए। चलो देखो, तो इसका नाम रखेंगे इमेज, और ये पब्लिक के लिए लेबल में सेलेक्ट इमेज, और ये कम्बो बॉक्स हटाकर इस जगह को हटाकर यही हमको चेंज करना है, और यहाँ पे लगाना है हमको ऑन चेंज का फीचर। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए मैं यहाँ पे अपलोड थिंग्स को अपलोड करता हूँ, फाइल अपलोड जो मैंने अभी डाला अपलोड, देखो ये इंपोर्ट हो गया, ये फाइल अपलोड है, ये आ गया है। अब ये फाइल अपलोड जो मैंने यहाँ पास किया है, कुछ पैरामीटर्स भी होंगे वो भी पास करना है। इसमें पास करना है इन पॉइंट, इन पॉइंट क्या होगा, तो ऑफकोर्स मेरा इन पॉइंट कोर में है लिखा हुआ, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। नाम था प्रोडक्ट इमेज, देखिए यह है मेरा इन पॉइंट, इसको पास कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन पॉइंट मेरा है प्रोडक्ट इमेज, और ऑन चेंज करने पे क्या होगा, तो ऑन चेंज करने पर केस ये करना है कि ऑन चेंज करने पर मेरा डेटाबेस में चला जाए, मतलब यूआरएल पास होकर आए और उस यूआरएल को ले, अगर इफ यूआरएल है तो फिर ऑन सबमिट काम करे, ठीक है। इसके लिए अलग काम करना पड़ेगा, लगता है URL है तो field.onChangeURL। चलो ठीक है, इसके अलावा छोटी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और ऑन यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, बढ़िया। तो ये सारी सारे के सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए। देख इसका सर्वर ऑफ है, कोई चीज इंस्टॉल करना रह गया था क्या, नहीं, ठीक है। रन होने देते हैं क्योंकि कंपाइल होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं ये देख लेता हूँ कि इसको इसका जो ना मुझे डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बटन वगैरह आएगा लेकिन वो अच्छा दिखेगा नहीं, तो उसका डिज़ाइन चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो डिज़ाइन तो चेंज हो जाएगा, एक बार कंपाइल होने दो, ऑलमोस्ट कंपाइलेशन में हम लोग। कभी कभी ये कंपाइलेशन काफ़ी लंबा समय ले, खैर। तो मेरा फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है जिसमें हम लोग सबमिट करेंगे। अब मेरे पास सारा डेटा डाटा में आ रहा है, और ये डाटा में जब आ जाएगा तो हम इसको एपीआई में पास कर देंगे जिससे इंसर्ट हो जाएगा। देखो ये लोडिंग के अलावा आगे बढ़ेगा तो समझ जाएंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, नहीं तो कोई ना कहीं एरर हो सकता है। और ये देखें काम कर रहा, देखो ये काम कर रहा, ये क्लिक करने पर आ रहा था वो सॉल्व हो गया कैसे, सिर्फ वर्जन डाउनग्रेड करने से।
इसको अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा, ये अच्छा दिखने लगा। तो फॉर्म कैटेगरी यानी नीचे ये वाला, इसमें कहेंगे फ्लिक्स आइटम में क्लास नेम लगा के लिखेंगे, तो देखो फ्लिक्स होगा फ्लिक्स डैश कॉल होगा ताकि एक दूसरे के नीचे। मेरा अपलोड थिंग्स अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि सेटअप में कहीं ना कहीं छोटा सा गड़बड़ी रहेगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ हुआ था, लेकिन उसमें मिडिलवेयर शायद एक्शन में दिक्कत थी। इस बार तो मैंने मिडिलवेयर में कुछ डाला ही नहीं है। अपलोड थिंग्स फाइल राउट इमेज 4 MB का होगा, मिडिलवेयर में अब ब्लैंक है। देखो ये नीचे तो आ गया, देखो ये ठीक है काम कर रहा है, नीचे तो आ गया, बट ये क्या है कि हमको एक पूरा फुल में चाहिए। तो कैटेगरी ठीक कर लेते हैं, मेरा इमेज वाला भी पार्ट ठीक काम कर रहा है। तो ये पूरा फुल में कैसे आएगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स में साथ लिखना पड़ेगा क्लास नेम और डब्ल्यू डैश फुल लगा के लिख लेते हैं। नहीं हुआ, ये कॉम इसमें लगाते हैं क्लास नेम और डब्ल्यू डैश फुल, कोई तो होगा जो डिवीजन में फुल करने से काम हो जाएगा। देखो इसको छोड़ दो, डिज़ाइन का कोई पार्ट उतना ही वो दिक्कत नहीं देगा हमको। जैसे इसको क्लिक किया, ये देखो यहाँ चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है, ये इमेज चूज़ किया मैंने और ये डिज़ाइन में बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमको इसको डिज़ाइन में अच्छा करना है और दिख नहीं रहा बढ़िया से, और जो सिलेक्ट किया फाइल वो भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बटन है ठीक है, बट दिख नहीं रहा। तो बटन नहीं दिख रहा इसकी वजह है कि CSS में सही से एडजस्ट नहीं हुआ हुआ है। तो एक तो तरीका ये है कि जिसका जो ग्लोबल CSS फाइल है उसमें इम्पोर्ट कर लो, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। बट हम आपको सब तरीके से दिखा देते हैं। तो ग्लोबल CSS फाइल में भी पॉसिबल है, और जो हम लोग बनाते हैं टेलविन का जो अपना ये आता है कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें भी कर सकते हैं। बट ठीक है, मैं आपको ग्लोबल वाला फाइल में ही कर दिखाता हूँ। यहाँ global.css में आ जाना है और इस CSS के अंदर में आखिरी लाइन में ऐड कर लीजिए यानी इंपोर्ट कर लीजिए। आखिरी लाइन इसलिए क्योंकि सारा लोड होने के बाद लोड होगा, ठीक है। तो यहाँ @ इम्पोर्ट होता है एक फंक्शन, इसमें URL बताना पड़ता है। URL लिखने की जगह डबल कोट डालो और उसके बाद लगाओ टिल का साइन। टिल का साइन मतलब हम पैकेज को एक्सेस करने जाते हैं, उसमें से @, उसके बाद अपलोड थिंग्स स्लैश रिएक्ट स्लैश styles.css, ये इसका CSS है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ से आया? तो देखिए ऐसा मामला है, ये आया है टेलवी खुद अपलोड थिंग्स बता रहा होता है कि हमको कैसे CSS में ठीक करना है। दिखाता हूँ कि इसके पाथ को बता रहा होता है। मैं यहाँ पे अगर CSS ढूंढूँ तो मिल जाएगा मुझे। चलिए ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिए डिज़ाइन चेंज हो गया, इसका मतलब ये अपलोड थिंग्स का डिज़ाइन इसके ऊपर लग गया है, ठीक है। थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करो और वेट करो उसके सही होने का। लोडिंग थोड़ी देर होता है, उसके बाद सारा कॉन्फ़िगरेशन चेक हो जाता है, तब आपको स्टेट मिल जाता है। आप इसमें देखिए एक क्लिक इस पे कीजिए, हमेशा चूज वाला पे, ठीक है, क्लिक कीजिए और यहाँ से अपलोड कर देंगे। देखिए 1 फाइल अपलोडेड, वेट कीजिए, देखिए अपलोड हो रहा है कि ये जो भी एरर है उसका परेशानी नहीं लेना। कैन नॉट फाइंड प्रॉपर्टी सिंबल पोस्ट स्लैश API में एरर 500 का। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, ठीक है, मैं देख लूँगा इसको, कोई इशू नहीं है। तो मेरा अपलोड का जो ना डिज़ाइन का जो पेज का डिज़ाइन है वो लगभग हो गया है। अब सिर्फ इंसर्ट करना आना है, लेकिन मामला ये है कि इंसर्ट कराने के बाद दिखाएंगे कहाँ इमेज को, ऐसे बगल में हमको डब्बा बनाना पड़ेगा ताकि इमेज दिखा सके, और थोड़ी सी ना यहाँ पे चेंजेस करनी है, इसके बाद ये इंसर्शन का काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए API बना लेना आपको। API कहाँ बनेगा ये देखिए, API फोल्डर में कैटेगरी का सारा काम के लिए कैटेगरी है, अपलोड थिंग्स है। इसके अलावा API में मुझे डालना है प्रोडक्ट्स स्लैश route.js, है ना, ये हो गया मेरा एक्सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर const post asynchronous request और ये है मेरा route handler।
राउट हैंडलर बोलते हैं, पोस्ट मेथड गेट मेथड के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर ट्राई कैच लगाइए और शुरू हो जाइए। ट्राई कॉन्स्ट, अब आपका जितना डेटा आ रहा है उसको आप लीजिए, डेटा के फॉर्मेट में अलग अलग ले सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डाटा अवेट req.json, डेटा आ चुका है। उसके बाद आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंसोल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक कीजिए, डीबी को बुला लीजिए, db.products.insert, ठीक है। और ये क्रिएट डाटा, ये देखिए कैटेगरी दिखा देते हैं हम आपको, देखिए क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये क्रिएट डाल देना है, इंसर्ट नहीं, क्रिएट। क्रिएट के बाद डाटा, डाटा के अंदर कर्ली ब्रैकेट, और ये एक्चुअल में सारा डाटा चाहिए तो ये सब डाटा इसके पास है, ठीक है। तो आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, जैसे टाइटल, स्लग, कैटेगरी आईडी, ब्रांड, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस और डिस्क्रिप्शन, और बताइए इमेज, एनीथिंग, नहीं तो ये सारा का सारा आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल टू मॉडल डॉट पे क्या होता है कि डाटा एक पूरा पूरा जेसॉन ही है, ठीक है। डेटा क्या है, पूरा का पूरा जेसॉन है, ठीक है। तो आप डाटा यहाँ जो लिख दिया, डाटा की और डाटा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आपका टाइम बच गया, डाटा नाम से की बना, डाटा नाम से उसका सारा वैल्यू बना, इंसर्ट हो गया। अगर इंसर्ट हो गया, इफ प्रोडक्ट इंसर्ट हो चुका है, तो फिर आप इसको, अगर आप कैटेगरी में देखना चाहते हो तो हम यहाँ पे किया, देखिए कैटेगरी हो गया, तो ये बस पास कर दो। एक गलती है यहाँ पे, अवेट छूट गया है, अवेट। इफ प्रोडक्ट अगर इंसर्ट हो गया है तो रिटर्न करो नेक्स्ट रिस्पॉन्स, जो कि इम्पोर्ट होगा .json, और जो भी प्रोडक्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर किसी तरह से एरर आया तो कैच, जो भी एरर आया वो कंसोल में, एरर को बताने के लिए console.log प्रोडक्ट इंसर्ट एरर, ठीक है। और ये यहाँ पर error.message, जो भी मैसेज होगा वो खत्म हो गया बात। तो आपका इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और इसमें लिख देना है, इसमें डाल देना है इंटरनल एरर। सेकंड पैरामीटर में आप डाल दीजिए स्टेटस 500, वो आपको रिटर्न कर देगा। ये आपका एपीआई बनके तैयार हो गया। इस एपीआई को आपको लगाना कहाँ है, यहाँ लगाना है, ठीक है, ऑन सबमिट फंक्शन के पास। बट मेरा काम अभी यहाँ पे है अभी थोड़ा सा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, बट फिर भी देखो कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट असिंक, ठीक है, अवेट असिंक, देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी, नहीं डीबी को असिंक करने की तब जरूरत नहीं है, सॉरी नहीं जरूरत है, फेच फंक्शन, ठीक है, या एक्सियोस इंस्टॉल किए हम लोग, एक्सियोस नहीं, हम लोग इंसर्ट एक्सियोस इंस्टॉल नहीं है, हम लोग इंसर्ट किए थे कैटेगरी को, तो क्या डाल देते, फेच लगाए थे, देखो है ना, बस ऐसे ही एग्जैक्टली करना है। तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा अपना, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे भी यही करना है, तो ठीक है, छोटी ब्रैकेट छूट रहा है इसका, हेडर का ये कर्ली ब्रैकेट और ये छोटी ब्रैकेट, अवेट, अवेट इज नॉट एक्सप्रेसिंग द इफेक्ट, कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा वो रिटर्न नहीं हुआ इसलिए ऐसा कुछ हुआ, इंसर्ट नहीं, सब ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये इंसर्ट हो जाएगा, अभी फिलहाल नहीं होगा क्योंकि हम लोग अभी इमेज को दिखाने का काम नहीं किए, ये डाटा कहाँ से आया पूछ रहा है, कैन नॉट बी एस एन, अरे भाई साहब बी एस एन थोड़ी किए, अच्छा डाटा नाम का ऑलरेडी कुछ है,
ओ मैंने ना वेरिएबल का नाम भी डाटा ही रख लिया, उसका नाम रखते हैं रिकॉर्ड या प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, रीडिक्लेयर होने लगा। चलिए हो गया। तो बेसिकली इंसर्ट का जो काम है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया, बट खाली इंसर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि इमेज हम बगल में दिखाएं जो अपलोड करेंगे, वो एक काम बच गया है। उसके अलावा जो है हो गया, मैंने ठीक कर दिया। अभी इसको सर्वर में रिडायरेक्ट क्यों नहीं मिल रहा? चलिए ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ तक काम कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ये इंसर्ट का एपीआई को चला देंगे और इंसर्ट हो जाएगा, जिसका हम लोग को प्रोडक्ट दिखाना है। थोड़ा सा इसको डिज़ाइन में अच्छा भी करेंगे क्योंकि पेज देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।